जनाब मुनीब अर्शद साहब को, हाफिज मुनीब अर्शद साहब जो तिलावत कलामे पाक के लिए तशरीफ लाए, आई विल इनवाइट हाफिज मुनीब अर्शद फॉर रिसाइटेशन ऑफ वर्सेस ऑफ कुरान प्लीज। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब। मुनीब आजकल यूनिवर्सिटी में है और इनके कोई इम्तिहानात वगैरह भी चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं PCCA की तमाम बोर्ड की तरफ से और मेम्बरान की तरफ से इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए। ख़वातीन हज़रात, हमारे प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के पाक नाम से हो चुका है। प्रोग्राम का मौजू मैं अभी छोटा सा इलामा इकबाल का एक मकाला पढ़ूंगा जो मजलिस अमल में उनका शाया हुआ था, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू क्या है। हज़रत इलामा इकबाल ने फरमाया था, 300 साल हैं हिंद के मै 300 साल से हैं हिंद के मैखाने बंद, अब मुनासिब है तेरा फैज़ हो आम ऐसा की। इस प्रोग्राम के इब्तदा के अंदर इलामा इकबाल के मुतलक एक हमें प्रेजेंटेशन दी थी सादिया समीउल्लाह, हमारी डायरेक्टर हैं, वुमेन डायरेक्टर हैं उन्होंने, और नवीद वड़ाइच ने उसको एडिट किया इस प्रोग्राम के लिए, तो इसकी इब्तदा उसके साथ होगी। तो डॉक्टर जावेद इकबाल के नज़र में इलामा इकबाल, साज में है उम्र जावेदा का सुराग, खुदी के सोच से रोशन है उम्मतों के चराग, हया नहीं है जमाने की आंख में बाकी, हया नहीं है जमाने की आंख में बाकी, खुदा करे के जवानी तेरी रहे बेटा, ठहर सका ना किसी खान पाक में बात, है गरीबो खुश अंदेशो चूस का दिमाग, खुदी के सांस में है उम्र जावेदा का सुराग। मुझे हुक्म था कि आखिरी उम्र में इनको सुबह अखबार पढ़ के सुनाया था, या बाज़ औक़ात ये कहते थे मुझे मेरे अशआर पढ़ के सुनाओ, तो मैं अशआर कहीं गलत पढ़ देता तो मुझे कहते कि तुम शेर पढ़ रहे हो या नसर, तो मैं पढ़ के सुनाया करता था। मैं सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा हो। प्रोग्राम के आगाज़ में हमारी एक परफॉर्मर हैं प्रिया,
वो काफ़ी अरसे से PCCA के प्रोग्रामों में अपना परफॉर्मेंस करती रही हैं। उन्होंने स्पेशली खुदी का सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्ला, तो वो तशरीफ लाइए फ्रिया। खुदी का सिर निहा, खुदी का सिर निहा, ला इलाहा इल्लल्ला, ला इलाहा इल्लल्ला, ला अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेर सुनने को नहीं मिलेगा क्योंकि थोड़ा सा ये मुश्किल काम है मेरे लिए। इकबाल जो है ये आज भी आम करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि इससे पहले इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी आज इसकी ज़रूरत है फ़िक्र इकबाल को आम करने की। तो इनका जो अल्लामा इकबाल ने मुफक्करे पाकिस्तान के हवाले से कि जो इसके पीछे जो एक मकसद था और जो एक पैगाम था, उन्होंने शायरी को वे ऑफ कम्युनिकेशन बनाया है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है शायरी जो है उनकी, कि जो असल मकसद जो था वो यही था कि एक इस्लामी फलाही रियासत कायम की जाए जहां मुसलमान आज़ादाना अपने रस्म रवाज और मजहबी इकदार को सामने रखते हुए, मलहूज़ खातर रखते हुए जो ज़िंदगी है वो गुजार सकें। तो ये एक इस्लामी फलाही रियासत बनाने के पीछे भी एक ये मकसद था कि मुसलमानों का को, चूँकि जो नज़रिया था वो ये था कि मुसलमान एक कौम है, डेफिनेशन के किसी भी कौम की डेफिनेशन के अतबार से मुसलमान एक कौम है जो कि कतई तौर पर हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। तो ये इस शायरी में जो भी आप जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है शायरी या वे ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको मैं इसलिए दे रहा हूँ कि असल मकसद का जो बहुत बड़ा पैगाम जो मकसद था अजीम वो है। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा वक़्त ना लूँ और नमानी साहब जो हमारे आलम दीन हैं और बहुत ही मज़ेज़ हैं हमारी कम्युनिटी में, इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और ख़ासकर हमेशा ये PCCA के साथ जुड़े रहे हैं। इनकी जो हमें इनक्रेजमेंट इनकी तरफ से होती है ये बहुत बड़ी इनकी हमारे ऊपर एहसान है। तो मैं चाहूँगा कि मैं मेरे लिए ये इज़्ज़त का बायस है कि मैं नुमानी साहब को दावत दूँ। नुमानी साहब प्लीज़ आए। نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عليكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال في موضع اخر قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على حب آل محمد فقد شهيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من مات على بغض آل محمد فقد كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشي پڑھنے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ و علی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد محترم آج کے گیسٹ جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب پی سی سی کے صدر جناب بھائی نوید بڑا صاحب آج کے ایم سی ہمارے بڑے ہی پیارے میری خاص برادری بھائی تنویر صاحب میرے بزرگوں دوستو عزیزو میری پیاری میری لاڈلی ماں اور بہنوں عزیز بچے اور بچیوں السلام علیکم چٹا صاحب نے کچھ مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زبان مبارک کرے اور یہ دعا فرمائے کہ اللہ مجھے اس کا اہل بنائے محرم الحرام ایک ایسا مہینہ ہے جو بڑی یادیں تازہ کرتا ہے اسلام کا پہلا مہینہ ہے یہ ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے جیسے انگریزی سال جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر بھی ختم ہوتا ہے ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے میں تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو نیو ایئرز کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے نیک فال بنائے اور اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے عزیزوں جیسا ہمارے چچا صاحب نے بہت احسن طریقے سے بڑے اچھے انداز سے بیان فرمایا محرم الحرام صرف اور صرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی رتبہ نہیں رکھتا بلکہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں آخر میں اگر چٹھا صاحب یہ بھی فرما دیتے تو ہمیں تھوڑی سی آخرت یاد آ جاتی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو 10 محرم ہی ہوگا قیامت کا دن جب ہوگا جمعہ کا دن اور محرم کی 10 تاریخ ہوگی میرے عزیزو محرم کی بات اہل بیت کی بات امام حسین کی شہادت جو کہ کربلا کے میدان کے اندر تپتی ہوئی ریت پر بڑی بے دردی کے ساتھ پہلے ان کے 72 تن شہید کیے گئے اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا اسلام اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا اللہ تعالی ان کی قبر کو منور فرمائے چونکہ واقعہ بہت لمبا ہے میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا عنوان یہ نہیں ہے مگر انہوں نے یہ عنوان اس میں رکھ کر اپنے سچے اور پکے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا ہے میں پی سی سی ای کو مبارکباد دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ترقی عطا فرمائے جس انداز سے یہ پروگرام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پروگراموں کو قبول فرمائے یہ بہت ضروری تھا محرم کے مہینے میں میرے عزیزوں امام حسین جن کی شہادت ہوئی یہ کون تھے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر تھے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نور نظر تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناتی تھے فجی کا لفظ ناتی ہے ویسے ہم نواسے کہتے ہیں نواسے تھے ان کی شہادت سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے متعلق 13 پیشین گوئیاں بیان فرما دی تھیں یہ نہ کوئی سمجھے کہ یہ کوئی بنائی ہوئی سٹوری ہے ایسی بات نہیں ہے اسلام کا حصہ ہے امام حسین کی شہادت کوئی معمولی معرکہ نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الفضل اپنی چچی کو ایک شیشی دی اور اس کے اندر
रेत थी जिसको बालू कहते हैं, रेत थी प्यारे नबी या मट्टी कह लें, मट्टी थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चची जान ये मट्टी की शीशी आप अपने पास रख लें, जब देखना आप ये सुर्ख हो गई है समझ लेना मेरे नवासे को करबला में शहीद कर दिया गया है। मालूम हुआ कि प्यारे नबी ने पेशीन गोइयाँ फरमाईं, 13 पेशीन गोइयाँ थी। वक्त नहीं है इस पर जाने का, मगर मेरे अजीज़ो ये वो इमाम हुसैन है जिनको प्यारे नबी अपने कंधे पर सवार करके बाहर ले जाया करते थे। एक दफ़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अब नाना जी मुझे ऊँट की ज़रूरत है। फरमाया, चलो कमरे में, मैं तुम्हें ऊँट देता हूँ। कमरे में चले गए तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा, बेटा मेरे कंधे पर सवार हो जाओ। हज़रत इमाम हुसैन कंधे पर सवार हो गए, प्यारे नबी ने अपने घुटनों को टेक दिया और हाथ ज़मीन पर लगा दिए और चलने लगे। प्यारे नबी ने फरमाया, बेटा तेरा ऊँट कैसा है? नाना जी मज़ा नहीं आया, नाना जी मज़ा नहीं आया। ऊँट के तो मुहार होती है, लगाम होती है, पकड़ा जाता है। प्यारे नबी ने फरमाया, बेटा मेरी जुल्फों को इस तरफ से पकड़ ले और दूसरे हाथ से इस तरफ से पकड़ ले, जिधर को तू मोड़ेगा तेरा ऊँट उधर को ही मुड़ता जाएगा। बड़ा प्यार किया करते थे, प्यारे नबी के साथ बड़ा प्यार था उनको भी और उनको भी। इसीलिए प्यारे नबी ने फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझ में से हैं और मैं हुसैन में से हूँ। कितनी बड़ी बात कह दी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हुए नमाज पढ़ रहे हैं, हज़रत इमाम हुसैन और हसन ऊपर आकर सवार हो जाते हैं प्यारे नबी की पीठ पर, प्यारे नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा इकराम पीछे हैं। काफ़ी देर होगी प्यारे नबी ने सजदे से सर ना उठाया। रवायत में आता है कि 72 दफ़ा 72 टाइम्स प्यारे नबी ने सुभान रब्बी अल आला कहा, उसके बाद सजदे से उठे, अत्तहियात पढ़कर सलाम फेरा। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह क्या सजदा लंबा करने का हुक्म आ गया है? प्यारे नबी ने फरमाया, नहीं ऐसी बात नहीं, असल में मेरा नवासा मेरे पीठ पर सवार हो गया था, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उसको नीचे उतारूं, सजदा लंबा करना मुनासिब समझा, मगर मैंने उसको तकलीफ नहीं दी। 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह, 1 दफ़ा अलहम्द शरीफ पढ़िए। अपने जो पाकिस्तान की कुर्बानी देने वाले हजरात जो शहीद हो गए हैं उनके लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीनिर रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल मुस्तक़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुन लहु। आमीन। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله جو كلام پاک پڑھی گئی ہے اس کا ثواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے پاکستان کی سالمیت کے لیے اور خصوصی طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کی روح کو پہنچنے کے بعد जितने उनके साथी थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अलामा मोहम्मद इकबाल साहब या इलाहा आलमीन, उसके बाद जो सरहदों पर शहीद हुए हैं और आजकल जो शहीद हो रहे हैं पाकिस्तान की मोहब्बत पर जो शहीद हुए हैं, अल्लाह उनकी रूहों को इसका सवाब पहुँचा दे। या अल्लाह जिनको पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, यहाँ वाले हैं, बाहर वाले हैं, अंदर वाले हैं, या अल्लाह सबको उनकी मोहब्बत या अल्लाह कबूल फरमा। और या इलाहा आलमीन जो मरहूम हैं उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह आज के प्रोग्राम को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। अलामा इकबाल मरहूम की जो तसव्वुरात हैं, या अल्लाह उस पर चल कर अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह PCCI को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। आज का दिन कुछ ऐसा है जिसको हम मना रहे हैं, अलामा इकबाल का दिन। मुझे ये खुशी है कि हमारे पाकिस्तान से हमारे मोहतरम ऑनरेबल काउंसिल जनरल साहब ने अपना ओहदा यहाँ पे संभाल लिया और आज वो हमारे दरमियान हैं। मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब जो यहाँ बैठे हैं, मैं वेलकम करता हूँ सर आपको। और साथ ही फहद अमजद साहब जो हमारे वाइस काउंसल हैं,
ये भी पुराने नहीं है, बहुत नए हैं, मैं इनको भी वेलकम करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनका इखलाक तो हमने देखा, इनकी आदतों से भी हम वाकिफ़ हुए बहुत थोड़े से अरसे में। जो ये बैठे हैं अपने पाकिस्तानियों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, और इनके माथे पर मैं अभी तक बल नहीं देख रहा हूँ, काफ़ी देर से बैठे हैं। और कल हमारी इनके साथ इंट्रोडक्शन मीटिंग थी, और हमें इस बात का, और मैं बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स के पास गया, और मैंने उनसे कहा कि ये मैंने पहली दफ़ा देखा है कि जो भी लोग बातें कर रहे थे, इनसे क्वेश्चंस, इनसे सवालात पूछ रहे थे, ये उसके नोट्स ले रहे थे, और आखिर में उनको एड्रेस भी करते रहे उनके क्वेश्चंस को। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है हमारी, हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, और हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमें इस तरह के काबिल जो हैं पाकिस्तान से यहाँ आकर सर्व करते हैं हमें। सो थैंक यू वेरी मच, और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन इकबाल का दिन है, और इकबाल मैं लास्ट प्रोग्राम में कहा था, हम बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम करवाते हैं और छोटे छोटे प्रोग्राम भी हमारे होते हैं, लेकिन इकबाल को टच करना मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका जो तसव्वुर था, उनका जो ख्वाब था, उनका जो नौजवानों के लिए उनकी जो तड़प थी, वो मेरे ख़्याल में इतनी ज़्यादा थी और इतनी उनकी सोच बुलंद थी कि आज भी हम सब उन्हीं के अल्फाज से, उन्हीं की शायरी से फ़ायदा उठा रहे हैं। सो मैं ये जानता हूँ कि जब पाकिस्तान में स्कूलों में तरानों की आवाज़ आती है तो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मेरा ख़्याल है कि इससे आसान शेर, इससे आसान चीज़ कोई हो नहीं सकती, और हर ख़ास आम के लब पे ये चीज़ें हैं। तो उनके लिए मैं कहता हूँ कि उनको खराज अकीदत कर पेश करने के लिए आज जब हम यहाँ पे हुए, इकट्ठा हुए हैं, तो मैं फ़ख्र से ये कहता हूँ कि हमारी पाकिस्तानी कैनेडियन कल्चर एसोसिएशन इसके लिए हमेशा कोशिश रहती है और कोशिश रहेगी, और हमारी तो मैं अब बुलाऊंगा जनाब अहमद घुमन साहब को। Allama Iqbal was born November 8, 1977, Saco, Pakistan. What do you think of when you hear the name Allama Iqbal? Something of nice and great, but I think independent, inspirational, and selfless. Allama was Pakistan's international poet, and some also called him the Sage of Ummah. He made such nice poetry, which inspired others to do the best they can do. I can bet a lot of Muslims got inspiration from him. In case you have no idea what your poem is going to be about, look at Allama Iqbal's poems and ideals will come flying. But this all changed on April 21st, 1938. Allama died. He was 60 when he died. Everybody was shocked and sad, but his poetry was still read and looked at. On April 21st, remember him. Never forget him. He was always peaceful. His best quote is, I lead no party, I follow no leader. I have given the best part of my life to careful study of Islam, its law and polity, and its culture and its history and its literature. Pakistan Zindabad, Canada Bandabad. Thank you.
अस्सलाम वालेकुम। एक बंदे का इंटरव्यू हो रहा था तो उससे किसी ने पूछा इंटरव्यूअर ने कि आपका बर्थडे क्या है, तो उसने कहा कि अगस्त 27। तो बंदे ने पूछा कि विच ईयर, तो उसने कहा रे बेवकूफ़ एवरी ईयर। तो ये अल्लामा इकबाल का बर्थडे ये भी एवरी ईयर ही आता है, और हर जगह जहाँ पर भी पाकिस्तानी हैं, ख़ासकर जो शायरी से दिलचस्पी रखते हैं, तो वो लोग इस दिन को मनाते भी हैं और कोशिश भी करते हैं। जिस तरह मैंने पहले मुशायरे में भी कहा था, हम जैसे छोटे छोटे शायर जो हैं वो अल्लामा इकबाल जैसे बड़े बड़े शायरों के बड़े बड़े जूतों में अपने छोटे छोटे पांव डालकर चलना सीख रहे हैं, तो कोशिश करते हैं। तो 9 नवंबर जो है वो हर साल आता है और हमें उस दिन की याद दिलाता है जब सियालकोट में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने बड़े होकर न सिर्फ गवर्नमेंट सेटअप को तब्दील किया बल्कि अपनी खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली शायरी से पूरी इंसानियत में नई रूह फूंक दी। और ये बच्चा कोई और नहीं, डॉक्टर अल्लामा इकबाल थे। उन्होंने अपनी सोई हुई कौम को जगाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। न सिर्फ पाकिस्तान और मुसलमानों से हमदर्दी थी बल्कि उनकी शायरी में पूरे यूनिवर्स के लिए हमदर्दी नज़र आती है। बल्कि उनकी शायरी का जो मेन कैरेक्टर जो है, सेंट्रल कैरेक्टर, वो ही इंसान और इंसानियत है। उन्होंने पूरी दुनिया को खुदी, उम्मीद, मोहब्बत, इंसाफ और अमन का पैगाम दिया। होश ने टुकड़े टुकड़े कर दिया है नूए इंसान को, होश ने टुकड़े टुकड़े कर दिया है नूए इंसान को, अखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की जबां हो जा। उन्होंने बहुत मर्द मोमिन के लिए बहुत कुछ कहा है, लेकिन इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, बेबाकी उहक गोई से घबराता है मोमिन, बेबाकी उहक गोई से घबराता है मोमिन, मक्कारी और फरीबी पे इतराता है मोमिन। जिस रिस्क से परवाज में कोताही का डर हो, जिस रिस्क से परवाज में कोताही का डर हो, वो रिस्क बड़े शौक से खाता है वो मोमिन। किरदार का, गुफ्तार का, आमाल का मोमिन, कायल नहीं है ऐसे किसी जंजाल का मोमिन। सरहद का मोमिन, कोई पंजाब का मोमिन, ढूंढे से भी मिलता नहीं कुरान का मोमिन। अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को भी बहुत पैगामात दिए, उनमें बहुत जोश पैदा किया। अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और यही नौजवान हैं कि जो कि उम्मीद है हमारे मुस्तकबिल का, हमारे पाकिस्तान का, नए पाकिस्तान का, और इन्हीं से सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इंशाल्लाह ये नौजवान जो हैं ये अपना किरदार अदा करेंगे। अल्लामा इकबाल की शायरी तो इतनी है कि अगर उसको पढ़ने के लिए हम पूरा मतलब सारा दिन भी लगे रहें तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और शायरी को समझना भी जैसे एक भाई साहब ने कहा कि मुझे शायरी की समझ नहीं आती, शायरी वाकई ऐसे नहीं है कि हर किसी की समझ में आए। उसको समझने के लिए बहुत अकल तो खैर हर इंसान में होती है, ऐसी बात नहीं है, अलग से अकल चाहिए, एक एक समझ चाहिए जो अगर आपको उसकी समझ आ जाए तभी आप उसको कर सकते हैं। तो मेरी भी एक छोटी सी कोशिश जो मैंने लिखी है आप वो सुनाऊंगी। अल्लामा इकबाल के मुकाबले में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आप लोग उसे समझ जाएंगे। वो हम सफ़र ही मेरा ज़ीस्त के सफ़र में न था, वो हम सफ़र ही मेरा ज़ीस्त के सफ़र में न था, जो मुझको चाहिए था साया उस शजर में न था। मैं तो सहराओं में भी फूल बन के ज़िंदा रही, मैं तो सहराओं में भी फूल बन के ज़िंदा रही,
इतना जरखेज तो वो अपने समंदर में न था। मेरी जो टूट के मोहब्बतें ठुकराई गईं, मेरी जो टूट के मोहब्बतें ठुकराई गईं, शायद मोहब्बतों का जर्फ उस जिगर में न था। ये शेर गौर करने वाला है। जो बुत कदे में बनाया है ठिकाना उसने, जो बुत कदे में बनाया है ठिकाना उसने, उसका मकाम ही शायद खुदा के घर में न था। बहुत खूब, बहुत खूब। ये जितने कर्ब से तुमने मुझे गुजारा है, इतना तो मान लो ऐसा तो मुकद्दर में न था। जो मुझको दोस्त ने बख्शा वो दर्द कैसा था, जो मुझको दोस्त ने बख्शा वो दर्द कैसा था, कि ऐसा दर्द तो दुश्मन की भी खंजर में न था। आखिरी शेर है। मैं भी आसमान को जमीन से मिला देती, मैं भी आसमान को जमीन से मिला देती, मगर ये हौसला सुन लो कभी कमर में न था। बहुत खूब कमर वही साहिबा, ब्यूटीफुल पोइट्री। खवातीनों हज़रात, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हम अपनी एसोसिएशन की तरफ से, तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मेम्बरान की तरफ से सुखी बात मोटर के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये प्रोग्राम के लिए अपनी ये जगह फराहम की। और इसके साथ साथ मैं इमरान भाई का भी, जो सुखी बात मोटर के बहुत अहम रुकन है, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो अपनी शिफ्ट ख़त्म करने के बाद हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, प्रोग्राम भी सुन रहे हैं। और रियली हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि एक फ़ोन कॉल पे आपने ये सारा बंदोबस्त किया। तीनों हज़रात, आगे हम अब आपके सामने एक और अपने नए उभरते हुए स्पीकर को पेश करेंगे, जनाब वलीद बड़ाइक साहब। President Peace is here, respectable audience and young fellows. My name is Waleed Baraich, and I'm honored to speak in front of you today about the great poet Muhammad Iqbal. Sir Muhammad Iqbal was born on November 9th, 1877. After completing his early education in his native city, he went to Lahore for further education. He completed his education there and worked as a professor at Government College Lahore. He was an inspiring teacher for the Persian and Urdu language. Then he went to England for even higher education. He inspired the Muslim youth towards the Pakistani movement through his lectures, speeches, and his Urdu and Persian poetry. My respectable president, Iqbal is one of the most outstanding poet and philosophers belonging to the modern period. His intellectual genius and Islamic philosophy has inspired youth, not only during the 20th century, but is likely to influence them in the 21st century as well. His sublime poetry and philosophy inspired millions of Muslims to wake up to the reality of the times and forge a destiny for themselves. Iqbal was deeply concerned with the youth of that time. He was very much clear to the fact that if youngsters had focused their real destiny, then they could have led the Muslims of subcontinent out of danger and destruction earlier than they did. My dear young fellows, Iqbal's Nijwan is a true Muslim. Mard-e-Mu'min, Mujahid, Shaheen, man of Khudi, and an optimistic person who can pull down the stars to himself. Mohabbat mujhe un jawano se hai, sitaro pe dalte hai jo kamand. Iqbal's Nujwan is creative. He believed that if youngsters can provide leadership that would lead the nation to the heights of self-determination. Iqbal's notion of leadership is best exemplified in his concept of Mard-e-Mu'min.
the perfect man. Iqbal says of him, Mu'min is mild in speech and wild in action. He also says, Afraad ke haatho mein hai aqwam ki taqdeer. Har fard hai millat ke muqaddar ka sitara. Iqbal wants his Nujwan to have the best knowledge, and that was his knowledge of Quran. He discouraged youngsters to get indulged in the pride and glitters of the materialistic world of today. Iqbal's youth must be equipped with the fikr, thinking of truth that gives warmth, richness, beauty, and charm to one's life. I will conclude my speech with one of his golden quotes. Nations are born in the hearts of poets. They prosper and die in the hands of politicians. Thank you. अगर होता वो मजजूब फरंगी इस जमाने में तो इकबाल उसको समझाता मकाम किबरिया क्या है. ये एक जर्मन था मजजूब फरंगी जिसको इलामा इकबाल ने कहा, उसका नाम था नेटशे, जिसने ये बुनियाद डाली थी जिसके ऊपर हिटलर चला था कि द वाइट रेस इज सुपीरियर, ये अपार्थाइड सिस्टम की. तो इलामा इकबाल ने उसको कहा है कि अगर होता वो मजजूब फरंगी इस जमाने में तो इकबाल उसको समझाता मकाम किबरिया क्या है.